अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, न कि शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन भी है। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के दर दिन ब दिन बढ़ रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, न कि शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन भी है। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल या निशान निर्माण होते हैं। साथ ही अब तक जो भी मामले सामने आए हैं उसमें ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे सरकार द्वारा बनाए गए कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल या निशान निर्माण होते हैं। अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दर इसी तरह बढ़ती रही तो कानून और व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे कई मामले हैं जिनका उल्लेख आज तक नहीं किया गया और उल्लिखित मामलों में अभी तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन सभी घटनाओं का जायजा लेते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज आकाशवाणी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। आज इथे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे तर्फे महिलांच्या सम्मानामध्ये इथे आम्ही आंदोलन करतोय। जे काही आपण बघतोय पुढे पुणे असो मुंबई असो नागपूर असो जिथे तिथे एकच गोष्ट चालली आहे महिलांच्या महिलांच्या सन्मानासोबत खेळण्याची। या लोकांनी म्हटलं होतं शक्ती कायदा आणू आणि महिलांना सन्मान देऊ महिलांना सुरक्षा देऊ महिलांवर अत्याचार होणार आहे ते थांबू। पण कुठं आहे सरकार? आमची आब्रू आमची जबाबदारी का ठाकरे सरकार हेच विचारण्यासाठी आम्ही सगळ्या विद्यार्थ्यांनी इथे आलोय। आणि सुप्रिया ताई तुम्ही म्हटलं होतं जर कोणी महिलांच्या महिलांवर डोळे उभे करून पाहिलं तर माझ्याशी गाठ आहे। तुम्ही कोणाशी गाठ घालून बसलाय तिथे? तुम्ही बाहेर का नाही निघा? त्या नारा धमांना फाशी का नाही देत? दिवसेंदिवस महिलांवर अत्याचार होत आहे, तुम्ही कुठे आहात? ठाकरे सरकारला म्हणायचं उद्धवजी बाहेर निघा मातोश्रीच्या, तुमच्या मातोश्री बाहेर पडले त्यांच्या त्यांच्या अस्मितेच्या चिल्ला चिल्ला होऊन राहिला। तुम्ही कधी येणार आणि कधी आम्हाला संरक्षण देणार? मृतक को श्रद्धांजलि देकर महाराष्ट्र सरकार के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विदर्भ की छात्र प्रमुख विजया चिखलकर ने मांग की है कि महाराष्ट्र में विभिन्न मामलों में दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही शक्ति अधिनियम कानून तुरंत लागू किया जाए। हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में दिन ब दिन जब अखबार पढ़ते हैं तो एक न एक केस ये बलात्कार की होती है। दिन ब दिन बलात्कार की केसें बढ़ते जा रही है। ये महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? शक्ति कायदा लगाया है, अभी तक अमलात भी नहीं लाया है। ये महाराष्ट्र सरकार सोई है क्या? इनको जाग कब आएंगी? सब लड़कियां मरने के बाद जाग आएंगी क्या? अरे महिलाओं के सम्मान में भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज आकाशवाणी चौक पर हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान मुंबई के साकिनाका में हुई घटना का निषेध कर सरकार से यह मांग की गई कि कड़े कानून बनाए जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।